जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत, ईमानदारी और बड़ी सोच बहुत जरूरी होती है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पंडित जी, कार्यक्रम को शुरू किया जाए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफ़ेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आपका दिन कैसा रहेगा, आज आपको क्या करना चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? Thank you.
सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा,
महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में धैर्य बनाए रखें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।